नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीधी के पेशाब कांड के बाद अब ग्वालियर से तलवा चाट कांड का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चलती कार में एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और उससे तलवे चटवाए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी और फरियादी युवक डबरा के रहने वाले हैं। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने भी मामले की पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मामले को संक्षेप में समझें तो गोलू गुर्जर के भाई से पीड़ित का झगड़ा हुआ था, फिर गोलू गुर्जर और उसके दोस्तों ने पीड़ित का अपहरण किया और चलती कार में उसके साथ खूब मारपीट की और चप्पल बरसाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक चलती कार में एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। कार में 3 से 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, युवक को गालियां दे रहे हैं, उसके चेहरे पर चप्पल से खूब मारे हैं और एक व्यक्ति उसके बालों को खींचते हुए अपने तलवे की तरफ ले जाते हुए भी दिख रहा है और उसे अपने तलवा चटवाने के लिए कहता है। वो खुद को बाप कहने के लिए भी कहता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना ग्वालियर डबरा हाईवे की बताई जा रही है। इस घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं, उनमें से एक वीडियो 42 सेकंड का है तो वहीं दूसरा वीडियो 36 सेकंड का है। जो शख्स युवक को पीट रहा है वो खुद को गोलू गुर्जर बता रहा है। वो कहता हुआ दिख रहा है कि गोलू गुर्जर कौन है, तेरा बाप। जानकारी मिल रही है कि गोलू गुर्जर के भाई से उस युवक ने झगड़ा किया था। इसके बाद गोलू गुर्जर ने किसी और के नाम से कॉल करके उसे बुलाया और कार में जबरन बिठा लिया। इसके बाद उसके साथ खूब मारपीट की गई। वीडियो को लेकर एसपी ने भी पुष्टि की है। वहीं पुलिस ने अपनी जांच अब शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एएसपी जयराज कुबेर का कहना है कि उन्हें भी वीडियो मिला है। पीड़ित युवक और आरोपियों की तलाश की जा रही है, इसके लिए पुलिस टीमें रवाना कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस नए मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी जारी है। दलित आदिवासियों के अत्याचार के बाद अब अल्पसंख्यक को कार में किडनैपिंग कर भद्दी गालियां दी, चप्पलों से पीटा और तलवे चटवाए। मामला गृह मंत्री के गृह क्षेत्र थे डबरा का है। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। नरोत्तम मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय दें। इस खबर पर आगे के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।